दिस वीडियो इज पावर्ड बाय कैडबरी जेम्स। मम्मा ये वाली कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है, ये भी अच्छी लग रही है पियू। हाँ लेकिन ये वाली ज्यादा अच्छी लग रही है ना। हाँ पियू जब अभी छोटे थे ना तब आपने बनाई थी, याद है आपने इससे थंब से बनाया था डिजाइन। एक तो ये और वो साइड में रख दो अभी। ये भी अच्छी है, ये भी बना सकती है। दीदी क्या कर रहे हो? मेरी पुरानी ड्राइंग्स और आर्ट निकाल रही हूँ। लेकिन पुरानी ड्राइंग्स में क्या ढूंढ रहे हो? अरे तो को पता है ना मेरा पेंटिंग कंपटीशन है। अरे हाँ अभी मैं फर्स्ट और सेकंड राउंड जीत लिया था। और आज फाइनल राउंड है कंपटीशन का। और पीहू दीदी अपनी पेंटिंग के लिए इंस्पिरेशन ढूंढ रही है। हाँ वैसे फर्स्ट प्राइज में क्या मिलेगा दीदी? ट्रॉफी मिलेगी। फिर तो दीदी मुझे ट्रॉफी ही चाहिए। तो फिर पीहू दीदी की हेल्प करो, मुझे किचन में काम है। ठीक है ये भी अच्छा है। वाह दीदी आपको तो इसमें A+ मिला है। वाह दीदी ये तो आपने बनाया है। मैंने बनाया है। आज पियू का ड्राइंग कंपटीशन है, आई होप वो फर्स्ट आ जाए। फ्रेंड्स ये वीडियो एंड तक जरूर देखना क्योंकि इसमें लास्ट में मोरल मिलने वाला है। और हाँ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से कर लेना, ऐसे रखना सब्सक्राइब का बटन। सब्सक्राइब मिल गया इंस्पिरेशन और आइडिया भी है। आइडिया आज हम NFT बनाएंगे। NFT वो क्या होता है? NFT मतलब नॉन फंजिबल टोकन। मतलब पीजी मैं कुछ समझा नहीं। मैं बताती हूँ, ये ड्राइंग जिसको हम भूल गए थे उसकी असली वैल्यू तब पता चलती है जब उसे NFT बनाया जाता है। लेकिन दीदी हम उसको NFT कैसे बनाएंगे? मैं करके दिखाती हूँ। सिंपल, पहले अच्छा सा फोटो खींचना है, फिर www.cadburygems.in पर जाकर डायरेक्शंस फॉलो करके उसे अपलोड कर देना है। फिर क्या होगा दीदी? एक बार Cadbury Gems Junior NFT पे आर्ट अपलोड हो गया तो वो एक यूनिक NFT इसके एग्जीबिशन पे आ जाएगा और फिर उसे लोग देख पाएंगे और खरीद भी पाएंगे। वाह दीदी तो फिर अभी के अभी मैं भी एक NFT बनाऊं? हाँ बना। अच्छा दीदी तो फिर मेरी पेंटिंग भी NFT के एग्जीबिशन पे आ सकती है? हाँ बिल्कुल आ सकती है। तो स्टार्ट करते हैं। और हाँ सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप मत भूलना। ये कैडबरी जेम्स। अरे खाने के लिए नहीं है, आर्ट के लिए। आर्ट के लिए? हाँ कैडबरी जेम्स जूनियर NFT में आर्ट सबमिट करने के लिए इम्पोर्टेंट स्टेप ये है कि हमें जेम्स इंक्लूड करनी है आर्ट में। ठीक है दीदी अब हम कैडबरी जेम्स के साथ ड्राइंग बनाते हैं। स्टार्ट करें? हाँ दीदी मैं सामान लेकर आता हूँ। ये ले। तो फिर दीदी मैं क्या बनाऊँ? वो तू सोच। मैंने एक अच्छी सी सीनरी बनाता हूँ और मैं ना मेरी फेवरेट ग्रीन जेम्स से बनाऊंगा। कल तक तो ब्लू तेरा फेवरेट था। लेकिन दीदी इस LFT के लिए ग्रीन जेम्स फेवरेट है। ठीक है ग्रीन से बनाओ। और डन। अरे वाह कितना अच्छा लग रहा है तेरा ग्रीन ट्री और ग्रीन ग्रास। और स्मोक कलरफुल स्मोक। अरे वाह अब ना हम इसको NFT में लाते हैं। हाँ दीदी जल्दी से बनाओ मेरे को भी बनना है NFT क्रिएटर। सबसे पहले हमने cadburygems.in वेबसाइट खोली। अब आ रहा है नीचे लिखा हुआ अपलोड योर आर्ट, वहाँ पे क्लिक कर देते हैं। अब लॉग इन मांग रहा है, लॉग इन कर देते हैं। हो गया लॉग इन। अब अपलोड योर आर्ट। नेम क्या है तेरा? यू आपको मेरा नाम नहीं पता क्या? कौन है तू? आपका भाई PIH। अरे नहीं मैंने बनाई है मेरे को बनना है। अच्छा ठीक है मैं कर। नाम डाल आयुष कालरा, एज 9। ठीक है नेम ऑफ द आर्ट, नेम ऑफ द आर्ट का लिखो दीदी। सीनरी हाउस विद कलरफुल स्मोक। आयुष की सीनरी। ठीक है करो। हो गया कैमरा। अब पिक्चर क्लिक कर लो, ढंग से करना। इतना फोकस्ड है ये। हाँ। ओके हो गया? सबमिट हो गया। और अब सबमिट दबा दो। हो गया? सबमिट। हाँ। तो मैं NFT मेकर बन गया हूँ। NFT मेकर नहीं NFT क्रिएटर। हाँ। दीदी यहाँ पे तो बहुत सारे NFT क्रिएटर्स हैं। देखो कितनी अच्छी अच्छी ड्राइंग्स है ना। पंपकिन की और क्रिसमस ट्री की। हाँ। वाओ तो मैं मेरे सारे फ्रेंड्स को बताने वाला हूँ कि मैं NFT क्रिएटर हूँ। हाँ ये जरूर बताना और मैं ये बताऊंगी क्योंकि ये NFT सिर्फ हमारे लिए नहीं है। हैं?
अरे जो NFT बिकने से पैसे आएंगे ना, वो पैसे डोनेट किए जाएंगे सेव द चिल्ड्रन नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन को, जो अंडर प्रिविलेज बच्चों को स्कूल जाने और पढ़ने में हेल्प करता है। वाह दीदी, अब तो हम रोज NFT बनाएंगे और रोज जेम्स भी खाएंगे। हाँ मैं भी खाऊंगा। तो दीदी फाइनली आपको कोई आइडिया आया क्या? हाँ आ गया, और टाइम भी हो गया कॉम्पिटिशन का। मम्मा कहाँ हो? मम्मा। ऑल द बेस्ट दीदी, मुझे पता है फर्स्ट प्राइज आपको ही मिलेगा, वो ट्रॉफी वाला। चलो अच्छे से बनाना पियू। हाँ बाय। तब तक मैं जेम्स खाता हूँ। खत्म मत करना, मेरे लिए बचाना। हाँ हाँ बचा दूंगा। यम्मी। क्या हो रहा है मैडम? कुछ नहीं, बस काम से फ्री हुई। फ्री हो गए? पीहू का है? पीहू के पेंटिंग कंपटीशन का फाइनल राउंड है ना आज। अच्छा हाँ, मैं तो भूल ही गया था। बस फर्स्ट आ जाए वो। वैसे फर्स्ट सेकंड राउंड में तो वो फर्स्ट आई थी ना। हाँ पर इस राउंड में देखो क्या होता है। ठीक है। पीहू क्या हुआ बेटा, और ट्रॉफी का है? अरे वाह, फर्स्ट प्राइज तो मेडल था क्या? नहीं ट्रॉफी थी। तू सेकंड आई है? अरे वाह, कोई बात नहीं बेटा, दिखा तो ये। चल मैं तेरे लिए मिठाई लेकर आई, बैठ तू। क्या हुआ, सैड क्यों है? मैं सेकंड आई इसलिए। अरे यार देख कितना सुंदर मेडल मिला है तेरे को, और तू सैड हो रही है। इधर क्रिएटिविटी और आर्ट्स में इट इज नॉट अबाउट विनिंग, मेन चीज होती है पता है क्या? पार्टिसिपेशन और अपनी क्रिएटिविटी दिखाना। फर्स्ट और सेकंड तो कोई बात नहीं बेटा, चलता रहता है, बट आपने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया ना पेंटिंग में, कोई बात नहीं आप फर्स्ट आओ सेकंड आओ थर्ड आओ, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है कि आपने पार्टिसिपेट किया और आपने अपनी क्रिएटिविटी दिखाई। और मम्मा बता रही थी कि आपने आज वो अनप्रिविलेज्ड चिल्ड्रन के लिए भी कुछ सपोर्ट किया। हाँ आई और मैंने किया था ना। NFT बनाया आपने पहली बार? देखो पता है मैंने आज तक नहीं बनाया, ये ऐसा एक काम है जो तुम लोगों ने पहली बार किया हमारे पूरे घर में। तो इस बात पर मेडल तो बनता है, ये मैं बताता हूँ पीहू मैडम को। पीहू मैडम विनर है। वाह इतना सुंदर लग रहा है ना मेडल। हाँ इसी बात पे मुंह मीठा करो कैडबरी जैम से। हाँ मुझे भी खानी थी। पापा आयु की पापा मत बनो। जेम्स तो ऐसे ही खाते हैं। ऐसे खाते हैं। फ्रेंड्स तो आप भी बन जाइए हमारे जैसे NFT क्रिएटर्स कैडबरी जेम्स जूनियर NFT के साथ, और अपने NFT से और भी बच्चों के सपने पूरे कीजिए। और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्लिक करके जरूर देखना, और ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स से शेयर करना ताकि वो ये बन सके NFT क्रिएटर्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।